हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग का 6:10 हुआ है और हमारा ये वाला जो वॉल क्लॉक है ये 10 मिनट फास्ट है, तो अभी टाइमिंग हुआ है 6:00। तो मैंने 5:30 की अलार्म लगाई थी और 5:30 उठने के बाद मैं अपना रूटीन वगैरह कर ली और अभी मैं रोहित के लिए टिफ़िन बना रहा हूँ। तो आज टिफ़िन में उसको मैं ये कुंदर है, कुंदर आलू की भाजी बनाऊंगी और उसके साथ उसको एक पराठा दे दूंगी। तो उसको कुंदर खाना पसंद है, उसको जितने भी सब्जी है भिंडी, कुंदर और गोभी सारे सब्जी उसको बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं उसको सब्जी रोटी दे देती हूँ। तो 2-4 बाइट अगर रोटी वो खा लेता है ना, तब भी मेरा मन जो है शांत रहता है, क्योंकि रोटी से पेट जो है भर जाता है। तो यहाँ पे मैं सिंपल जो कुंदर को काट के और एक आलू को ऐसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया हूँ, प्याज को भी काट लिया हूँ और मस्टर्ड ऑयल में ही बनाऊँगी। मस्टर्ड ऑयल जो है बहुत हेल्दी होता है और मस्टर्ड ऑयल में ही यहाँ पे मैं बना रही हूँ। आप लोग देख सकते हो, सिंपल ऑयल डाल दिया कढ़ाई में, उसके बाद यहाँ पे पंचफोड़न, तो हमारी उड़ीसा और बंगाल साइड में पंचफोड़न क्या है उनको पता होता है, और पंचफोड़न डालने के बाद उसमें मैं एक सूखी मिर्ची जो है वो डाल दी, उसके बाद प्याज डाल दी। और प्याज इतना भूनना नहीं है, मतलब थोड़ा सा उसको भूनना, मतलब जैसे ही ब्राउनिश हो जाएगा ना उसके बाद हम ये सब्जी जो है काट के रखे थे वो ऐड कर देंगे। इसी तरह से आप कोई भी सब्जी, आलू भी इसी तरह से बना सकते हो, भिंडी आलू किसी भी सब्जी को आप इसी तरह से भाजी टाइप का बना सकते हो, इसको सूखी सब्जी भी बोलते हैं। और इसको रोटी चावल हर किसी के साथ खा सकते हो आप लोग, और ये सूखा सूखा होता है, ड्राई होता है और टिफ़िन में देने के लिए सही रहता है ये। और बस सिंपल सा नमक हल्दी मिर्ची पाउडर देके इसको मैं अच्छे से कुक कर लूँगी और इसी के साथ मैं एक पराठा बना दूँगी। आटा जो है मैंने रात को ही गूंद के रख दी थी फ्रिज में। और अभी चलिए, यहाँ पे बादाम और किशमिश जो हमेशा मैं रात को भिगो के रखती हूँ, तो मेरे हस्बैंड जो है दो बादाम खा के वो चले गए। और आजकल डेट्स नहीं मिल रहा है कैंटीन में, इसीलिए डेट्स ख़त्म हो गया है, तो डेट्स खाना हमारा बंद हो गया है, तो बाहर से लाना पड़ेगा, क्योंकि कैंटीन में 2-3 बार ऐसे जाके वापस आना पड़ रहा है, मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया। तो चलिए फिर मैं दूसरी साइड में गैस के दूसरी साइड में ये जो भाजी है सब्जी वो मैं चढ़ा देती हूँ, और इस साइड में मैं एक पराठा बना लूँगी। अभी के लिए बस रोहित के लिए एक पराठा बना लूँगी, तो वो खा थोड़ा सा उसमें से पराठा 2-4 बाइट खा लेगा और जो भी बचेगा उसको मैं टुकड़ा कर दूँगी, पराठा को तोड़ दूँगी और उसी को वो टिफ़िन में ले जाएगा। तो गाइस, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आलू जो है अच्छे से कुक हो गया है और सब्जी कुंदर जो है अच्छे से कुक हो गया है, उसको बस करारापन आने तक उसको बस फ्राई करना है। और लास्ट में मैं भुना हुआ जीरा और मिर्ची का जो पाउडर है वो मैं ऐड कर दूंगी, उससे बहुत अच्छा खुशबू आता है। तो गाइस, मेरा आधा घंटे के ही अंदर मेरा सब्जी रोटी बनके तैयार है और अभी टाइमिंग आप लोग देख सकते हो, 6:30 तक मेरा टिफ़िन बनाना फिनिश है। अभी मैं रोहित को उठाऊंगी और रोहित को थोड़ी देर लगेगा, उसके साथ थोड़ा सा खेलना पड़ेगा तब जाके वो उठेगा। तो अभी उठ गया है क्योंकि मैं लाइट जला के चली गई थी। और आप लोग देख सकते हो, मैं आप लोग को बाहर का व्यू थोड़ा सा दिखा रही हूँ, और अभी रात को थोड़ा थोड़ा बारिश हुआ था इसलिए ऐसा लग रहा है। और आज मौसम कैसा होगा, शायद धूप आएगा लग रहा है, देखते हैं क्या होता है। मौसम क्लियर है आज, बारिश नहीं है। तो चलिए फिर, आप लोग देख सकते हो आसमान में बादल है, अभी मौसम क्लियर है, बारिश नहीं हो रहा है। आज धूप आएगा तो मौसम थोड़ा अच्छा रहेगा, आज बारिश नहीं होगा। तो चलिए फिर, रोहित को फटाफट से मैं तैयार कर लेती हूँ।
रोहित को उठा के उसको ब्रश करवा के उसका रूटीन वगैरह करने के बाद उसको मैं अभी थोड़ा सा बस रोटी और ये जो फाजी है उसको खिलाऊंगी और उसके बाद उसको रेडी करवाऊंगी। उसका टिफ़िन भी रखना है मेरे को। ये लोग देख सकते हो आप, टिफ़िन में मैंने वही भाजी और जो पराठा बनाई थी उसको तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े में उसको दे रहा हूँ क्योंकि वो तोड़ के नहीं खा पाता है। और ये रहा उसका टिफ़िन बॉक्स एंड पानी बॉटल, और उसके बैग में पैक कर देते हैं। तो गाइज, रोहित को स्कूल छोड़ने के बाद यहाँ पे मैं एक दो राउंड लगाऊंगी, थोड़ी देर वॉक करूँगी। तो मॉर्निंग वॉक बहुत अच्छा होता है और आज बहुत अच्छा मौसम हुआ है, बारिश नहीं है, धूप आया है, तो सुबह का धूप जो है हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। और मैं अभी यहाँ पे कर रही हूँ अकेले वॉकिंग क्योंकि अभी तक कोई फ्रेंड नहीं मिला है मुझे। तो चले फिर, मैं वॉकिंग करने के बाद फिर घर जाऊंगी, घर जाने के बाद आपसे मिलती हूँ, बात करती हूँ। तो गाइज, यहाँ पे मैं आप लोगों को सूर्य देव की दर्शन करवाती हूँ। कितने दिन बाद आज सन की दर्शन हो रही है और बारिश के बाद आज सूर्य जो है आए हैं, सन आए हैं। और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए सूर्यदेव का। धूप हुआ है आज और उसी में मैं थोड़ी देर वॉक करूंगी, गर्मी भी लग रही है आज। हाय गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग? बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज सुबह उठ के मैंने रोहित का टिफिन पैक किया, टिफिन बनवाई और रोहित को स्कूल छोड़ने के बाद फिर मैंने गई वॉक करने के लिए। तो वॉक करके और अभी आई, वॉक करने के बाद फिर रास्ते पे कुछ फ्रेंड मिल गए, उनके साथ थोड़ी देर बात की। ऐसे बात करते करते टहलते टहलते आके मैं पहुंच गई घर। और अभी मैं करूंगी अपना घर का क्लीनिंग वगैरह, झाड़ू पोछा करूंगी, उसके बाद फिर नहाऊंगी, नहाने के बाद पूजा करूंगी, पूजा करने के बाद फिर खाना खाऊंगी। और अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट जो है नहीं की, बस सुबह जो बादाम और किशमिश भिगो के रखी थी वो खा ली हूँ और भूख भी नहीं लग रही है। काम करने के बाद फिर मैं खा लूंगी और उसके बाद फिर लंच बनाऊंगी। ये
सज्जा बच्चा सरोज समरम गीतार्थ कर्ण नाना छान कवि सरम हरि कथा संबोधना बलि शांति ओम शांति ओम शांति। गईज यहाँ पे मैं सूखी मिर्च को धूप में दी थी कल। सूखी मिर्च जो है बारिश के मौसम में ना एकदम मतलब कुछ बन जाता है, फंगल्स वगैरह उसके बीच में अंदर बन जाता है तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए उसको धूप हुआ था तो मैंने धूप में दे दी थी। और अभी उसके जो डंडा है उसको निकाल के अभी मैं हम एक डब्बे में रख रही हूँ, क्योंकि ताकि जब भी मुझे तड़का वगैरह देना है, जब भी सूखी मिर्च का ज़रूरत है ना, तो पटक से निकाल के तोड़ के डाल सकती हूँ सब्जी वगैरह में, दाल में। और ये है पंचफूरन, सूखी मिर्च का जो बीज निकला है ना उसको मैं पंचफूरन में ऐड कर रहा हूँ। अभी आप लोगों को दिखाती हूँ राइस। तो यहाँ पे क्या है ना, बहुत अच्छा राइस नहीं मिल रहा है, एक बार अलग राइस आता है, दूसरे बार लेके आओ तो फिर दूसरा राइस हो जाता है। तो राइस हमें खाना पसंद है और हम लोग राइस के बिना नहीं रह सकते, तो हम दिन में दो बार हमारा राइस मेरे हस्बैंड को चाहिए ही चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग राइस खाते हैं, रोटी से ज़्यादा हम लोग राइस खाते हैं। तो यहाँ पे गई अच्छा राइस नहीं मिल रहा है, तो इस बार फिर से अलग राइस लेके आए, देखते क्या होता है। और यहाँ पे मैं लंच बना रही हूँ आज, कुछ उड़ीसा स्टाइल सब्जी बना रही हूँ। ये जो सब्जी है इसको आप लोग क्या बोलते हो मुझे नहीं पता, हम लोग उड़ीसा में बोलते हैं झुड़ंगा। तो झुड़ंगा आलू टमाटर बैंगन की एक सब्जी बना रही हूँ मस्टर्ड पेस्ट देके, और ये ड्राई टाइप का सब्जी होता है, बहुत टेस्टी होता है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करना। और उसके साथ सुबह जो मैं बनाई थी भाजी, कुंदूर की भाजी, तो वो भी है। और यहाँ पे मेरा सब्जी बन गया है, तो मैं अभी लास्ट में धनिया पत्ता ऐड कर रहा हूँ, इसी के साथ थोड़ा सा दाल बनाई मैं। तो यहाँ पे मिल रहा है सांभर दाल, वो जो दाल है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो मैं सांभर नहीं बनाती हूँ, कभी कभार बना लेती हूँ लेकिन रेगुलर नहीं बनाती हूँ, लेकिन वो जो दाल है वो मुझे बहुत पसंद है। तो वही दाल को मैंने 3 सीटी लगा ली और वो अच्छे से हो गया है, और अभी मैं उसको तड़का लगा रही हूँ, बस सिंपल सा तड़का लगा रही हूँ। यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल डाल के उसमें पंचफूरन सूखी मिर्ची, और यहाँ पे मैं भूल गए हींग डालने के लिए। तो आपके पास अगर हींग हो तो दाल में और भेज दाल में हींग जरूर ऐड करना चाहिए, बहुत अच्छा खुशबू आता है, मैंने हींग डालना भूल गई। और एक टमाटर मैंने दी थी दाल में ही बॉईल कर ली थी, उसको निकाल के प्याज के साथ ही ऐसे भून लिया हूँ, और टमाटर प्याज अच्छे से हो गया है, तो मैंने उसमें दाल जो फ्राई बॉईल करके रखी थी उसको ऐड कर दी। लास्ट में बस धनिया पत्ता जो है वो ऐड कर रहा हूँ। तो मेरा दाल भी बन गई है, सारे सब्जी भी बन गई, दाल भी बन गई, राइस भी बन गई, तो लंच मेरा कंप्लीट है। हाय गाइस, सुबह का काम कंप्लीट हुआ, लंच भी बन गई मेरी अभी, और अभी मैं करूँगी थोड़ा सा रेस्ट और सारा काम हो गया फिनिश, उसके बाद रोहित को लेने जाऊंगी, तो टाइम नहीं हुआ है अभी, घर का काम हो गया फिनिश तो मैं करूँगी अभी थोड़ी देर रेस्ट, रोहित का टाइम नहीं हुआ है उसको लेने के लिए जाने के, तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद उसको फिर जाऊँगी लेने। तो मैं थोड़ा सा बैठ जाती हूँ, फिर आप लोग के साथ बात करती हूँ। गाइज अभी मैं आप लोग के साथ अपनी घर का जो रूटीन वगैरह वो शेयर कर रही हूँ, और अभी तक हमने कहीं घूमने को प्लान नहीं किए हैं, तो अगर बाहर कहीं जाऊँगी तो वो वाला वीडियो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो अभी मेरा घर का जो भी डेली रूटीन वगैरह हाउसवाइफ का वो चल रहा है, तो कुछ इस तरह से मैं अपने घर को मैनेज कर रहा हूँ अपने बच्चों के साथ। तो अभी घर का काम फिनिश हो गया, अभी मैं थोड़ी देर मेरे को टाइम मिल रहा है, तो मैं अभी वीडियो का जो एडिटिंग वगैरह करूँगी, मेरा एडिटिंग का काम करूँगी, उसके बाद फिर जाऊँगी बेटे को लेने, और उसको लेके आके फिर हम लोग लंच करेंगे, फिर
फिर थोड़ी देर रोहित सो जाएगा दोपहर को, और फिर उठ के फिर पार्क वगैरह जाएंगे, फिर इवनिंग को ही उसका पढ़ाई, फिर डिनर बनाओ खाओ, ये जो भी एक हाउसवाइफ का डेली रूटीन है वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और चलिए गाइस, मिलती हूँ आपसे और एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।